हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज हमने क्लास नाइन्थ के इंग्लिश बुक बी हाइव के फोर्थ चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का हिंदी समरी लेकर आप लोग के सामने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका हिंदी समरी क्या कहता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म नामक शहर में हुआ था। वह एक सामान्य सा दिखाई पड़ने वाले बालक थे। उनकी माता तो उसे एक विचित्र बालक ही मानती थी। उसने बहुत देरी से बोलना शुरू किया था और जब अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते थे तो प्रत्येक शब्द को दो बार बोलते थे। दूसरे बच्चे इसके लिए उनका हमेशा ही मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए वे अकेले ही खेलते रहते थे। वे मैकेनिकल खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते थे तथा अपना अधिकतर वक्त उन्हीं खिलौनों के साथ व्यतीत करते थे। जब वे मात्र 15 वर्ष के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूनिक में उच्च विद्यालय में भेजा गया। वह एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी थे। वह सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करते थे, लेकिन उन्हें स्कूल का वो डिसिप्लिन पसंद नहीं था। वह प्राय अपने शिक्षकों के साथ झगड़ लेते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा के लिए ही स्कूल को छोड़ दिया। अपने माता पिता के साथ बहुत सारी बातचीत करने के बाद उन्हें स्विट्जरलैंड में उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए भेज दिया गया। गणित में तो वो एक बहुत ही अच्छे जानकार था उन्हें, तथा फिजिक्स में भी उनकी बहुत ही अधिक रुचि थी। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। यहाँ उनकी अपनी एक दोस्त मिलेवा मैरिक से लगाव हो गया। उन्होंने उससे एक साथी ढूंढ लिया। वह एक युवा संबियाई युवती थी। वह बहुत ही बुद्धिमान थी। उन दोनों में प्यार हो गया और बाद में दोनों ने 1903 में शादी कर ली। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1900 में 21 वर्ष की उम्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उस समय वे बेरोजगार थे। उन्होंने एक सहायक शिक्षक की नौकरी कर ली। 1902 में उन्हें बर्न में एक पेटेंट कार्यालय में नौकरी मिल गई। उनका कार्य दूसरे लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन करने का था, यानी कि जो लोग आविष्कार करते थे वे उन सभी को देखकर उसका नंबर देते थे। वे गुप्त रूप से अपने सिद्धांतों को भी विकसित कर रहे थे। उन्होंने संपेक्षा के विशेष सिद्धांत पर 1905 में अपना प्रसिद्ध पत्र प्रकाशित किया, जिसके अनुसार समय और दूरी अपने आप में फ्री नहीं हैं। आइंस्टाइन के जीवन का नया अध्याय विश्व में उसके उदय से प्राप्त प्रसिद्धि से मेल खाता है। 1915 में उन्होंने सापेक्षण के सामान्य सिद्धांत का प्रकाशन किया, जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स की एक नई व्याख्या की। आइंस्टाइन ने सही सही कैलकुलेशन कर ली थी कि जो रुके हुए जो स्टार्स हैं उन्हें कितने समय में सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रोशनी प्रदान होती रहती है। 1921 में आइंस्टाइन को फिजिक्स के क्षेत्र के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उन्हें सारे विश्व में सम्मान और निमंत्रण प्राप्त हुए और मीडिया के माध्यम से उन्हें प्रसिद्धि भी बहुत ही मिल गई। उस समय तक अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी दुनिया में विख्यात हो चुके थे। जब 1933 ईस्वी में जर्मनी में नाजीवादी पार्टी सत्ता में आई तो आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। आइंस्टाइन 5 वर्ष बाद जब जर्मनी ने न्यूक्लियर विखंडन किया तो अमेरिका के भौतिक शास्त्री बहुत ही परेशानी में आ गए। उन्होंने अपने एक सहकर्मी की सलाह पर आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को परमाणु बम के भारी खतरों के बारे में चेतावनी भी दिया। उनके शब्द ने रूजवेल्ट को प्रभावित किया। अमेरिका वालों ने एक गुप्त योजना के तहत परमाणु बम का विकास किया और अगस्त 1945 में उसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर के ऊपर गिरा दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन को युद्ध को तबाही से बहुत अधिक विचलित हो रही थी।
इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के नाम एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उन्होंने विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव भी रखा। आइंस्टाइन राजनीति में और अधिक रुचि लेने लग गए थे और उन्होंने इस क्षेत्र में ख्याति भी प्राप्त की। उन्हें शांति और लोकतंत्र की स्थापना में प्रयोग भी किया। जब 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन की मृत्यु हुई तो लोगों ने उसे एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक भविष्य में देखे जाने वाले एक गुरु के रूप में भी स्वीकार किया और आज भी बहुत सारे लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत E=mc² को याद करते हैं। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।